दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्याय 9 उपनिवेशवाद और इतिहास चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैं आपको यह इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं। साथ ही दोस्तों आप अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो 25 के नाम से जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की, अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर जो कि क्या है 2 नंबर वाले रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपके इस चैप्टर से केवल और केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके रहने वाला है MP बोर्ड के आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ओके, तो इसलिए आपको केवल शॉर्ट वाले तैयार करने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करा रहा हूं, तो जितने बताऊं सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी एक बार नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा ओके शॉर्ट में, तो आपके क्या है सभी फिर आपके टॉपिक तैयार हो जाएंगे। ओके, तो सूर्यास्त कानून क्या था, MP बोर्ड एग्जाम 23 में एक क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो औपनिवेशिक काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूली की एक नई पद्धति प्रचलित की जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। इस पद्धति के अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व की एक निश्चित धनराशि निश्चित दिन सूर्यास्त से पूर्व राजकोष में जमा करनी होती थी। यदि कोई जमींदार निश्चित दिन सूर्यास्त से पूर्व राजस्व जमा नहीं कर पाता था तो उसकी भूमि जब्त करके नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। सूर्यास्त कानून आयु पढ़ते ही समझ गए होंगे कि क्या है औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों का समय। अंग्रेजों के समय में क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टैक्स वसूलने की एक जो सिस्टम बनाया वो क्या है स्थायी बंदोबस्त उसने तैयार किया। इस स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि हर किसान को क्या है हर किसान के लिए एक फिक्स टैक्स फिक्स कर दिया था कि इसकी खेती चाहे अच्छी हो चाहे बेकार हो बहुत ओके मतलब 1000 रुपये की खेती हो 10000 रुपये कमाए से या 20000 किसान कमाए लेकिन उसके लिए टैक्स उसके लिए फिक्स कर दिए तो इसे क्या है 500 रुपये से क्या है टैक्स देना ही है। तो चाहे उसकी खेती बहुत अच्छी हो चाहे बेकार हो इससे मतलब नहीं है, एक फिक्स टैक्स आपको देना ही है। और ये टैक्स वसूलने का काम किसका था जमींदार का काम था। ओके, तो जमींदार को क्या है टैक्स वसूलने का काम करना था और जमींदार को एक निश्चित डेट दी जाती थी कि इस डेट के पहले ही क्या करना है इस डेट के अंतर्गत ही जो पूरा जितना टैक्स है गांव का वो क्या है जमा कर देना है। और जो जमींदार क्या है टैक्स जमा नहीं कर पाता था अंग्रेजों उस निश्चित डेट में तो जो जमींदार की जो होती थी जमीन वगैरह उसको क्या है नीलाम कर दी जाती थी। ये होता है दोस्तों आपका सूर्यास्त कानून। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जोतदार कौन थे, बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो औपनिवेशिक काल में जो धनी किसान के उन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था। देखिए गांव में क्या होता है जमींदार थे, जमींदार भी क्या है बहुत धनवान थे। ओके, लेकिन धनवान होने के साथ वो क्या अंग्रेजों के लिए काम करते थे, अंग्रेजों के लिए क्या है टैक्स वसूलने का काम करते थे। लेकिन उन्हीं के जमींदारों के अलावा भी क्या है कुछ जो धनी किसान थे, जो किसान तो थे लेकिन वो सबसे ज्यादा अमीर किसान थे उन्हें क्या है जोतदार कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है बेनामी के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। बेनामी से क्या मतलब होता है कि बेनामी एक अशाब्दिक अर्थ है जिसका कोई क्या है नाम ना हो यानी गुमनाम। हिंदी एवं कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदे के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी अथवा अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम दिए जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा राजा शब्द से क्या अभिप्राय है, बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो औपनिवेशिक काल में शक्तिशाली जो जमींदार के लिए प्रायः राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब राजा का शब्द क्या है औपनिवेशिक काल की बात हो रही है अभी वर्तमान में। ओके, तो औपनिवेशिक काल में जो शक्तिशाली जमींदार थे उन्हें राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट हमारा बुकानन कौन था, बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस बुकानन एक क्या चिकित्सक था, वह भारत आया, उसने 1794 से 1815 ईस्वी तक बंगाल में चिकित्सा सेवा में कार्य किया। उसके कुछ वर्षों तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजरी से शल्य चिकित्सा के रूप में कार्य किया। बंगाल सरकार ने अनुरोध पर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का क्या विस्तृत सर्वेक्षण किया, मतलब क्या भूमियों का क्या सर्वेक्षण किया था। ये था फ्रांसिस बुकानन के बारे में। नेक्स्ट हमारा है पहाड़िया कौन थे, तो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो रहने वाले लोग थे उन्हें क्या पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। पहाड़ियों में राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोग पहाड़िया। ओके, नेक्स्ट हमारा बम्बई डक्कन में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए। तो बम्बई डक्कन में अंग्रेजों द्वारा राजस्व प्रणाली कौन सी की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या लागू की गई थी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल में किन दो प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं का अनुकरण किया, मतलब अनुकरण यानी अपनाया, कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई। तो दो अपनाई थी, पहला है आपका इजारेदारी व्यवस्था यानी ठेकेदारी व्यवस्था, दूसरा है इस्तमरारी व्यवस्था यानी स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था,
तो आंसर आपको लिखना है बंगाल में इस्तेमाली बंदोबस्त 1793 में ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से बिल्कुल ईजी आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, तो बेसिक बेसिक आपकी जो नॉलेज है वो आपको इसके रखना ही है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया। बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड कार्नवालिस ने भू राजस्व की जो देखिए दो ही पद्धतियाँ हैं उसमें कौन सी पद्धति अपनाई, तो कौन सी अपनाई थी, इस्तेमाली बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त प्रचलित किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस्तेमाली बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे, यानी अंग्रेजों ने सोचा कि इस्तेमाली बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाए। ओके, ये टैक्स वसूलने की व्यवस्था थी, तो इसका लागू करने के अंग्रेजों के पीछे क्या उद्देश्य थे, मतलब क्या सोचकर अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को लागू किया। तो स्थायी रूप से राजस्व की राशि तय करने पर कंपनी को नियमित राशि प्राप्त हो सकेगी। एक स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त कहा जाए एक ही बात है। तो इसमें क्या किया था, इस सिस्टम में क्या कर दिया जाता कि प्रत्येक किसान को क्या फिक्स कर दिया था, प्रत्येक किसान को इतना टैक्स देना है। ओके, हर किसान के लिए फिक्स कर दिया था इतना टैक्स देना है, चाहे आपकी खेती अच्छी हो चाहे ना हो उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको जितना अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया है उतना टैक्स देना ही पड़ेगा। और ये जो टैक्स की राशि थी बहुत ज़्यादा थी। ओके, तो इसमें अंग्रेजों ने क्या सोचा, अंग्रेजों ने सोचा अगर हमें क्या है फिक्स मिलता रहेगा तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्थायी रूप से राजस्व की राशि क्या है तय करने पर कंपनी को क्या है नियमित राशि प्राप्त हो सकेगी, मतलब फिक्स एक राशि आती रहेगी अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों ने सोचा इससे क्या होगा, इतनी सारी राशि आ जाएगी तो बंगाल विजय के समय जो परेशानियां आई थी उनको अब क्या है दूर किया जा सकता है और अंग्रेजी जो व्यवस्था है उसको अच्छे से सुधारा जा सकता है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका टैक्स मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था 1770 के दशक में दयनीय तथा संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी, जबकि अंग्रेजों ने नहीं सोचा कि जो क्या है किसानों के किस प्रकार समस्या में है उनसे उन्हें कुछ मतलब नहीं था। ओके, बस उनका ये उद्देश्य था कि ज़्यादा ज़्यादा इससे क्या है फिक्स नियमित राशि प्राप्त होगी कंपनी को और क्या है अपना अंग्रेज अपना सिस्टम सुधार पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या है स्थायी जो बंदोबस्त था या इस्तेमाली बंदोबस्त लागू किया था। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स पढ़ लेते हैं तो फिर आपको डर नहीं रहेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा कि क्वेश्चन आंसर आएगा, फिर आप क्या है प्रॉपर उसे आपकी तैयारी हो जाएगी, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे कोई भी टॉपिक से आपसे बन जाता है। ओके, तो एक बार आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा, जिससे आप क्या है प्रॉपर रूप से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कुदाल और हल के प्रतीक का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो चैप्टर में कुदाल और हल के एक टॉपिक है ये पूरा। ओके, एनसीईआरटी आप टॉपिक देखिएगा, तो कुदाल और हल के किसके प्रयोग किया गया है, तो कुदाल का जो प्रयोग किया गया है राजमहल की पहाड़ियों की जनजाति के लिए, राजमहल की जो पहाड़ियों में जो लोग रहते थे जिन्हें हम क्या है पहाड़िया कहते थे उनके लिए क्या है कुदाल शब्द का प्रयोग किया गया है। कुदाल तो क्या है क्योंकि ये जब खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। ओके, कुदाल का प्रयोग करते थे, जबकि जो संथाल लोग थे वो हल का प्रयोग करते थे, इसलिए संथाल को क्या हल का प्रतीक बताया गया। तो कुदाल किसके लिए कहा गया है राजमहल की रहने वाली पहाड़ी जनजाति के लिए, हल क्या है संथालों के लिए। ओके, नेक्स्ट दामिनेको क्या है, तो दामिनेको के क्या थे तो इसे देख लेते हैं, तो दामिनेको भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनेको का निर्माण संथाल समूह को बसाने के लिए किया गया था, मतलब भागलपुर का राजमहल के जो एरिया है राजमहल का एक हिस्सा है दामिनेको से नाम रखा गया और उसका उसको क्या है अंग्रेजों ने किसको दे दिया संथाल जो समुदाय है उसको क्या है बसाने के लिए निमंत्रण किया। वहाँ पहले दामिनेको वाले स्थान पर पूरा जंगल था, तो अंग्रेजों ने क्या है संथालों को निमंत्रण दिया कि यहाँ के रहो, यहाँ क्या है जंगल को साफ करो, यहाँ खेती करोगे। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय में भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में दामिनेको के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम क्या है संथाल परगना पड़ा। जब यहाँ दामिनेको स्थान पर क्या है सभी संथाल लोग आकर रहने लगे तो यहाँ किसका नाम क्या पड़ गया संथाल परगना पड़ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ, तो संथाल विद्रोह क्या है 1855-56 में संथाल विद्रोह के नेतृत्व में दो भाइयों सीधो और कानू के ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ओके, मतलब जो किसके नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह सीधो और कानू के में। ओके, और कब हुआ था तो 1855-56 में अंग्रेजों ने इनके विरोध को ऐसे कुचला कि जैसे कि जलिया वाला कांड भी क्या है छोटा पड़ जाए। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संथालियों को क्या है गोलियों से भून दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई थी, बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब अब एक ही शब्द वाला है। ओके, जो कि मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ में बता ही चुका हूँ, तो 1857 में क्या है ब्रिटेन में क्या है कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने अध्याय 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे हैं, जितने क्वेश्चन आंसर बताएं सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
तो आई हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।